दोस्तों, अब अगर आपके पास अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड है तो अब आप लोगों को जून वाले मंथ से आप लोगों काफ़ी सारी सर्विस में चार्जेस लगना चालू हो जाएगा। और ये जो कार्ड है जैसे आपके लिए बहुत लाभदायक लग रहा था, ये कार्ड आपके लिए लाभदायक लगना बंद हो जाएगा। क्या है अपडेट, आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और किसकी गलती की वजह से ये बैंक के नियम लागू कर रही है वो भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेंट पेमेंट पे आपको 1% का कैशबैक और आपको जो चार्जेस था वो नहीं लगता था अमेजोन पे इस्तेमाल करने पे, काफ़ी सारे शॉपिंग करने पे कुछ कैशबैक। तो इसके लिए क्या है, कुछ यूट्यूबर ने इसका तोड़ निकाला कि चलो भैया आप शॉपिंग ना करो, कम शॉपिंग करो, कैशबैक अधिक पालो, बहुत सारे टेक्निकल सिस्टम ला दिया। अब ये बताओ, आपको बैंक ने लाइफ टाइम कार्ड फ्री दिया है, आप कार्ड को ढंग से यूज ही ना करो और कैशबैक ले लो तो बैंक कैसा लगेगा। ऐसी वीडियो बना बना के यूट्यूब पर अपलोड किया और बैंकों के पास जब ये वीडियो पहुंची तो बैंकों ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। जून वाले मंथ से आप इस कार्ड में जो 1% कैशबैक था वो नहीं पाओगे, रेंट का जो चार्ज था वो भी ऐड होगा, और साथ में किसी मर्चेंट पे अगर आप जाके ट्रांजेक्शन करते हैं वहां भी आपको देना पड़ेगा चार्जेस। आपने मर्चेंट को चार्ज दिया, बैंक को भी दिया, कैशबैक नहीं मिला, तो अब ये कार्ड ओनली लाइफ टाइम फ्री के नाम से रह गया। मैं बता दूं कि ये बैंक की गलती नहीं है, बैंक तो अपने कस्टमर को हमेशा सर्विस अच्छी देना चाहता है। हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट बनते हैं, थोड़ा से व्यूज, थोड़ा सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में गुमराह कर देते हैं। मित्रों, नुकसान आप लोगों का है, पता है क्यों? अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कैश बैक अगर पा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिटदार है। अगर वही चीजें आप एक बार में पा लिए और वो सर्विस बंद हो गया, किसी काम का नहीं। तो मित्रों, आज के टाइम में लोग गलत इंफॉर्मेशन दे के भटका रहे हैं, और मैंने आज तक कभी कोई तोड़ ऐसा आप लोग को नहीं बताया, बट लोग कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब कार्डों में दिन पे दिन बहुत सारे नियम चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि इस कार्ड के ऊपर हर जगह ट्रांजेक्शन करने पे आप लोग को चार्ज देना पड़ेगा। अभी तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे चार्जेस नहीं है, आप वन टाइम खर्च कर लो कोई चार्जेस नहीं है, आपको देना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपको इसके यूज हुए पैसे का रेंट देना पड़ेगा, और ये गलती बैंक की नहीं होगी, ये गलती आप लोगों की ही होगी। दोस्तों, जितने लोग आज के टाइम में कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सबका एक ही विचार, ऐड करो पैसा बैंक में ले लो। भाई करो ठीक है, बट हिसाब से करो, लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब आप लोग की छोटी मोटी गलती की वजह से ये हर जाना सबको भरना पड़ेगा। अब अगर ये सोच रहे कि पहले वाली सर्विस जो मुझे 2018 में 19 में मिलती थी अब वो मिल जाए, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अब दिन पे दिन नियम चेंज हो रहा है, ये बातें याद रखना। बाकी इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, किसी की बातों में ना आए, कार्ड को मल्टीपल इस्तेमाल करें, थोड़ा से पैसा एड मनी कम करो, बैंक में कम लो, आपका बेनिफिट होगा। एक बार बेनिफिट पा लिया दोबारा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बातें याद रखना। तो ये कहानी थी, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।